जय श्री श्याम। श्याम बाबा की पूजा करते समय आते हैं आंखों में आंसू। पूजा करते समय क्यों आते हैं आंसू और क्या कारण है, जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। आंसू सुख और दुख के साथी होते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे ज्यादा दुख हो चाहे ज्यादा खुशी, सबसे पहले आंसू ही आते हैं। वैसे तो आंखों में आंसू आने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आंखों में कोई इन्फेक्शन, एलर्जी या जुखाम। इन कारणों के अलावा भी कुछ लोगों के आंखों में पूजा करते वक्त भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं? तो आइए जानते हैं पूजा करते वक्त आंखों में आंसू आने का क्या अर्थ होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा के समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए। पूजा के समय आंसू इस बात को भी दर्शाते हैं कि आपका मन कितना कोमल और शुद्ध है और आप पूरे अंतर्मन से श्याम बाबा की पूजा, साधना, ध्यान कर रहे हो। इससे आपका सीधा संपर्क खाटू वाले से हो रहा है। पूजा करते समय आंखों से निकले आंसू इस बात को भी दर्शाते हैं आपकी पूजा सफल हो गई है। इसके अलावा एक और अर्थ है कि श्याम बाबा आपका साथ दे रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि आपकी परेशानियां सारी की सारी खत्म होने वाली हैं। वैसे तो परेशानियां हर एक के जीवन में आती रहती हैं। ऐसे में हमें कभी ना तो घबराना चाहिए और ना ही डरना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो सबसे बड़ा साथी है, हारे का सहारा। परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि हिम्मत से और साहस से उनका सामना करना चाहिए। और याद रहे, बाबा कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी ले रहा होता है, इससे हमें खुश होकर परेशानियों का सामना करना चाहिए। आलू सिंह जी महाराज जी कहते हैं कि अगर सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा की जाए तो से खाटू वाला सदैव स्वीकार करता है। और श्याम प्रेमियों, आपने देखा भी होगा, जब आप श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जाते हो और उन 13 सीढ़ियों पे आप चढ़ते हो, जब बाबा का आमना सामना आपसे होता है, तब भी आपने देखा ही होगा कि आपकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे मन से बाबा की पूजा करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।